तो बेटा आपको लड़की कैसी लगी हमारी? अंकल मेरी तरफ से तो डन है। अच्छा, चलो डन हो गया तो अब थोड़ा दान दहेज की बात कर लेते हैं काम का। अंकल देखो, हम दहेज के सख्त खिलाफ है, ना हम दहेज लेते ना हम दहेज देते। ये सोच होनी चाहिए आज के युवा की। वैसे आपकी बेटी अंकल जमीन पे सो जाती है ना, क्योंकि हम तो अंकल जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। उनके रूम में डबल बेड है। चलो कोई नहीं, हाँ। मैं डबल बेड करवा देता हूँ, है ना। आपको तो फिर अंकल देखना। अरे कोई बात नहीं, तू वैसे ये बिना एसी के रह लेती है ना, क्योंकि अंकल हमारे घर में तो एसी नहीं है, हम तो पंखे में ही रहते हैं। अबे साले, तो हाँ। कोई बात नहीं, मैं ना एसी भी करवा देता हूँ। इनके रूम में एसी लगा, आदत नहीं है। मर्जी अंकल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एसी भी मैं बेड। और अबे साले वही है, वैसे हम ऑफिस भी ना रिक्शे में जाते हैं, तो हमको तो कोई दिक्कत नहीं होती। आपकी बेटी को तो कोई दिक्कत नहीं है ना, मतलब रिक्शे वगैरह में? क्योंकि मेरी मम्मी को ना अभी पीठ सरक गई थी उनकी, बताओ, झटके तो लगने के वजह से। What? तो कोई बात नहीं, वैसे भी आप दहेज नहीं ले रहे हो, मैं एक कार करवा देता हूँ, आने जाने के लिए आसानी रहती है। थार।